अच्छा जल्दी अंदर आ जाओ। आप इतनी दबी दबी आवाज में क्यों बात कर रहे हैं और आप दरवाजा क्यों खोल रहे हैं? घर का मालिक किधर है? अरे यार घनशाली घाय लड़ी ने बहुत पंचा अच्छे, हम में से किसी को मिस्टर अय्यर बनाना पड़ेगा। मालिक अंदर है, आ जाओ। अच्छा तो इस पर एक शेर अर्ज है की भाई अभी कोई शेर नहीं अंदर आ जाओ। अरे मियां जब भी हम शेर बोलने की कोशिश करते हैं आप हमें रोक देते हैं। आज तो हम आपको शेर सुनाने के बाद ही अंदर आएंगे। सूरी मारना ना, सूरी सूरी अरे ये कौन है जिसने हमें झट से अंदर करके फट से अंदर फेंक दिया? मैं इस घर का मालिक हूँ। अच्छा अच्छा आप घर के मालिक हैं? आप इस घर के मालिक कैसे हो सकते हैं? ये घर तो किसी अय्यर का है। सरदार जी अय्यर तो पहली बार देखा हमने। सरदार जी अय्यर क्यों नहीं हो सकता भाई? मेरा नाम है रोशन सिंह अय्यर। ओ आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन है? आप काम करने आए हैं तो काम शुरू करो। मैं समझाता हूँ गंचू भाई। ओ क्या है, जन्म से ये अय्यर भाई पंजाबी है। छोटे थे ना तभी एक मेले में अपने माँ बाप से बिछड़ गए और फिर एक अय्यर दंपति ने इनको पाल पोस के बड़ा किया, तब से इनका नाम रोशन सिंह अय्यर है। एक मिनट आपको इनके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? आप तो कह रहे थे आप यहाँ पे किसी को जानते ही नहीं। अरे तो पता लगाने में टाइम कितना लगता है, 5 मिनट बातचीत के उसमें सब पता चल गया भाई। तुम काम करना है ना, फटाफट काम करो ना भाई, लीकेज का। चलो चलो प्लीज। अरे काम तो कर देंगे लेकिन यहाँ पे इतने सारे लोग कर क्या रही है? हमारे रिश्तेदार है भैया। नमस्ते। हाँ गाँव से आए, गोरेगाँव से आए। सुन लिया जी, अभी लीकेज का काम शुरू करें। हाँ लीकेज का काम तो शुरू कर देंगे लेकिन वो क्या है कि हमने नीचे से देखा था कि लीकेज जो हो रहा था वो ना बावर्ची खाने की तरफ से हो रहा था। तो ये बावर्ची खाना किस तरफ है जरा बताइए। हम इधर है ना अय्यर भाई, इधर है ना? हाँ इधर है। फोन कर देता हूँ। अब बोलिए सेठ जी, सब लोग अंदर पहुंच गए? हाँ हाँ सब पहुंच गए। आप आके बाहर से ताला मार दो जल्दी फटाफट। जी सेठ जी। माला यार तू पान खाने आया है या इधर काम करने आया? पान खाए बगैर हमारा दिमाग चलता नहीं है भैया। दिमाग नहीं चलता? ये आईएएस की एग्जाम लिखने आया? अरे छोड़िए IAST UVWYZ। हमारी आन बान शान है पान। जब हम खाते हैं पान तो नहीं होती है कोई खता और तुरंत मिल जाता है लीकेज का पता। हाँ भाई तू जल्दी से लगा पता, क्योंकि एक काम करके हमको यहाँ से हो जाना ला पता। क्या कह रहे हो, तुम भी चालू हो गए भाई। खाया पान घनशू? तू काम चालू करना भाई, काम चालू कर। चल कर रही हूँ कर रही हूँ। गंसू जी अगर आप ऐसी आवाज करेंगे तो हम सब जेल जाएंगे। जेल? अरे जेल क्यों जाएंगे? इनके कहने का मतलब है कि वो आवाज होगी तो पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाएंगे ना, और कभी कभी क्या है ना वो पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। ये क्यों डरा रहे हो? हाँ डराओ मत पोपटलाल भीड़े, इसको डराओ मत भाई। अरे भीड़े तो मराठी भाई हुए, ये अय्यर और भीड़े का रिश्ता कुछ भीड़ नहीं रिया है। नहीं नहीं इनका नाम भीड़ा नहीं है, वो तो क्या है सबके साथ में भिड़ जाते हैं ना, इसलिए हम लोग उसे भीड़े बुलाते हैं। बराबर है। हम लोग? अरे आप तो कह रहे थे आप यहाँ किसी को जानते नहीं, अब तो इनके रिश्तेदारों से भी आपकी जान पहचान निकल रही है। अरे तने सु आटली बड़ी पंचायत से घनसूड़ी क्या बोल रहे हो?
तू अपना काम करना भाई। एक बार काम खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद तेरे मन में जो भी प्रश्न है ना, उसका मैं सब समाधान कर दूंगा, ठीक है? चाहिए तो सोडी का पूरा आंबा समझा दूंगा। सोडी? अरे अब सोडी कहां से आ गया? सोडी ये सरदार जी अय्यर बने उसके पहले वो सोडी थे, ठीक है? ठीक है। अरे क्या ठीक है? वो आंबा किसी? अरे आंबा नहीं होता सोडी, वो पूरे परिवार का, वो दादा परदादा का सबका नाम होता है उसमें। अरे फैमिली ट्री की बात कर रहे हैं वो। हाँ। अच्छा 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 है, ओके ओके समझ गया ना। चल काम चालू कर। मैं? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, तू काम चालू कर भाई, खड़ा क्या, काम जल्दी चालू कर। हाँ लेकिन जरा जरा धीमे धीमे ऐसे करना कि बिल्कुल भी आवाज ना आए। अरे मियां हमारे केनिया तोड़े में सिलेंसर नहीं लगा हुआ है, थोड़ी बहुत आवाज तो होगी। हाँ ठीक है भाई, जितना हो सके उतना जरा आवाज कंट्रोल करके कर ला, लेकिन काम कर भाई, काम कर तू जल्दी, चल चल।